ओम भीम ब्रह्म भट स्वाहा, मुझे क्राउन जिताहा। ओम भीम ब्रह्म भट। हाय, सॉरी फॉर दिस। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेमन जी। क्या हाल चाल आपका? उम्मीद है यार बहुत बढ़िया होंगे। और यहाँ पे आज हमने शुरू कर दिया है, क्या शुरू कर दिया है बे? जंप अराउंड का ये कंपटीशन सा चल रहा है। यहाँ पे 6 बंदे एलिमिनेट होंगे, आपको नहीं होने वाला। और इसमें अपन जंप के एंड तक जाने वाला है, मतलब क्राउन जीतने के पूरे पूरे चांसेस हैं। हम 10 क्राउन मेन मैचेस में जीत चुके हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ मेन में, ठीक है। और बाकी 20-25 के करीब हम दूसरे मैचेस में क्राउन जीत चुके हैं, अगर आप लगा लें। अगर कस्टम को लगा लें बीच में तो 25, अगर कस्टम्स को 25 से भी ज्यादा हो जाएंगे। कस्टम्स को ना लगाओ तो 20 से प्लस तो फिर भी है इन शोज में जो आते रहते हैं। जैसे कि ये आज आया हुआ है, ये वाला कौन से वाला आया हुआ है? सबसे ज्यादा हमने लॉस्ट टेंपल वाले में जीते थे, नहीं एक वो फाइनल्स मैराथन आया हुआ था उसमें जीते थे सबसे ज्यादा हमने। आई थिंक 3-4 क्राउन जीते थे उसमें हमने। ओके, तो यहाँ पे हमें आया है क्या आया है बे? ये वो है क्या है ये, मैं नाम भूल गया। बेवकूफ, सारे के सारे यही राउंड आने वाले हैं, तू नाम भूल गया धक्का लगा मिनट याद। फिर भी जंप अराउंड, ठीक है जो याद है। ओके, पीछे को भाग ले थोड़ा सा। जंप वेरी गुड। रुक, भाग, पीछे को भाग। जंप वेरी गुड। हो गया, इतनी वेरी गुड तो मुझे लाइफ में कभी टीचर से नहीं मिली होंगी जितनी मैंने आज खुद को दे दी यहाँ पे। ओके, तो ये वाला काम भी हम वेरी गुड। अरे ये लॉन्ग गाय फंसेगा पक्का उसमें। एक मिनट, फंसने दो से, बाद में देखते हैं। ओके, क्वाइट गुड। क्या होता है भाई? गुड कह लेता, क्वाइट गुड क्या होता है? ये लॉन्ग गाय फंसता नहीं है इसमें, नहीं फंसता आई थिंक, या फिर फंसता है या फंसता नहीं। पिछला राउंड कैसे कर गया फिर ये? नहीं फंसता होगा, या फिर कम फंसता होगा, या फिर वो फिसल के से निकल जाता होगा सिर पे लग के, वो लगता है ना हल्का सा। ओके, जब तक मैं संभला तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अपुन की गाड़ी फेल हो चुकी थी। ये राइम हो गया। ओके, तो सीरियसली हमारी बात सही थी, यहाँ पे आया है फिनाले में हमको जंप शो डाउन, यानी कि हम हमारे पहले फिनाले राउंड में पहुंच चुके हैं आज के। और उम्मीद है हमारा प्रदर्शन काबिलियत तारीफ रहेगा, अगर ना भी रहा तो क्या कर सकते हैं, तो जिंदगी है ही क्या कहते हैं उसे, ना इंसाफ वाली, नहीं यार कुछ और होता है, एक और वर्ड है कोई, मैं भूल गया अभी, याद नहीं आ रहा मुझे, कभी याद आएगा जब जिंदगी गुजर जाएगी। अरे ये क्या हो गया भाई, सब सबके सब इधर ही हैं, कौन सा हिल रहा है वहां पे, हिल रहा है अभी तो। अच्छी बात है। ओए भाई हम गए, मुझे लगता है हम सबके सब जाएंगे इसके बाद, क्योंकि पैनल अगर ये गिरा तो हम सबके सब गए, पक्की बात है हम सबके सब गए। तो मैं बच गया, बिल्कुल किनारे पे चला गया था। नहीं, हम बच रहे हैं मुझे लगता है। हाँ हम बच गए, सबके सब बच गए हम तो। क्राउन जीतने के पूरे पूरे चांसेस हैं भाई। ये तो 11 बंदे आए थे इसमें, तो अगर मैं जीता मतलब मैं अच्छा प्लेयर हूँ, इसमें तो पूरे प्लेयर्स थे। गुड भाई, लॉन्ग गाय गिरता नहीं है, गिरता है लेकिन इतना भी नहीं गिरता, मतलब नहीं, मतलब इतना भी लंबा नहीं है वो। भाई मैं बहुत ओके, मैं बच गया, भगवान की कृपा से मैं बच गया। ये 4 बंदे तो गिरने में नहीं आ रहे, मतलब 3 बंदे गिरने हैं सिर्फ, वो तो एक तो बीच में वो पैंपना करने लग जाता है, कुछ ज्यादा ही प्रो बन रहा है भाई। अब लक ना बुरा हो जाए, उसका लक बुरा हो जाए पहले तो। भाई यहाँ पे कोई नहीं गिरने वाला, सब ढीठ है, और इन ढीठों में मैं भी शामिल हूँ, बट अभी ये ढीठ गया। आई प्लेड वेरी वेल। ओके, तो यहाँ पे अभी हम नॉर्मल मैच पे आ गए हैं, क्योंकि फिर ज्यादा बोरिंग हो जाता है अगर हम वहीं पे लगे रहें। वैसे मैं हर बार यही बता देता हूँ, यानी कि यही कहता हूँ, वैसे वो बात सत्य है, सत्यवती तरस पीकर बोल रहा हूँ मैं। ये सत्यवती तरस क्या होता है ये कुछ लोगों को पता होगा, वो लोग कौन है मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन
मैं नाम लेना चाहता हूँ लेकिन आपको पता ही चल जाएगा, जिनको पता है नीचे कमेंट करके बता देना सत्यवती त्रस क्या है, मुझे याद आ गया आज। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके ये तो अपुन की पार्टी होगी। ले नहीं पार्टी किस बात की, हाँ फ्री में हवा में घूमने को मिला। ये गधा मेरे को पकड़ क्यों रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रही इसकी बात। आई डोंट वॉन्ट टू हग यू मैन, तुम स्मेली स्मेली हो। कहाँ से अभी तो ठंड है, स्मेली स्मेली कहाँ से। अरे ठंड में भी वो 15-15-20 दिन नहीं नहाता इसलिए स्मेली है। ओके ओके चल चल, अरे वहीं पे जंप करे जाएगा अगर ये ये दिक्कत वाली बात हो गई रे भैया, ये प्रोली खेलने वाली बात हो गई। शिट शिट यस यू डिड इट मैन, यू आर द बेस्ट। चल बेस्ट चल। ओके तो इस बार आया है वो राउंड जिसमें हमें पब्लिक का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि अपुन का दिमाग इतना काम नहीं करता रे। दो बनानास, यस दो बनानास, एक पियर। ओके दो बनानास एक पियर, पता नहीं क्या कुछ है। एक क्या था, दो तो बनानास थे पियर्स नहीं थे फिर तो एक का। पता ही है ये तो अपुन ने भी भाई खेला इस बार तो। अबे बस ज्यादा जल्दी है मरने की, मैं तो मरने निकल पड़ा था। अभी ध्यान देते हैं कितना गिरे, तीन केले गिरे, तीन ही गिरे ना, हाँ तीन केले गिरे ये तो याद है अपन को। एक कोकोनट है आई थिंक, कोकोनट एक ही है मुझे उम्मीद है, बाकी वो जामुन से आई थिंक तीन है। चलो केले तीन है फिलहाल, ये तो कन्फर्म्ड है अपन को, और कोकोनट एक ही है ये भी कन्फर्म्ड है। बाकी देखो चार तो ये जामुन ही होने चाहिए भाई। कोकोनट चार कब हो गए, कोकोनट चार कब हो गए, तो ये दिख रहा था। तो यहाँ पे डोर क्रैश की बारी चल रही है। कुछ क्या बोल तो सही नहीं, कुछ के आगे नहीं लगा दो कुछ नहीं। यस क्या खोज की है आज मैंने, यस आई एम द खोज करूँ बंदा। ये क्या है, कुछ भी यस मतलब कुछ भी ही चल रहा है अभी हमारा, कुछ भी ही चल रहा है। ओके तो आगे आया है हमें जमी हुई पहाड़ी, इस जमी हुई पहाड़ी पे आज हम एडवेंचरर निकले हैं, देखते हैं हमारा क्या हाल होता है जमी हुई पहाड़ी राउंड में। एक मिनट भाई, अब तक तूने ये ना राउंड्स को अपने देसी नाम नहीं दिए हैं ना, आज देते हैं, आज सभी राउंड्स को देसी नाम देते हैं। ये है हमारी जमी हुई पहाड़ी, इसका नाम फ्रोजन पीक ही है ना भैया, ये नहीं वो तो दूसरा होता है। चलो फिर ये भी जमी हुई पहाड़ी है, बाद में देख लेंगे हम क्या होगा। नहीं ये है जमा हुआ खंडर, खंडर कहाँ से लग रहा है ये, नहीं कुछ और नाम देते हैं इसे, क्या नाम दूँ, जमा हुआ रेगिस्तान। अरे ये क्या हो गया, जमा हुआ रेगिस्तान, कभी रेगिस्तान जमता है वैसे, हाँ हाँ कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं तो हाँ ये है जमा हुआ रेगिस्तान, सही है। ये जमे हुए रेगिस्तान में नीचे गिरने की, जमे हुए रेगिस्तान ने पंखा किसने चला दिया, ये पंखा है भाई मेरे, ये पंखा है। ओके तो नेक्स्ट आया है हमारा रोशनी के पीछे भागो, इस रोशनी के पीछे भागो वाले राउंड। अरे बेवकूफ गधा जानबूझ के बंद करके गया, वैसे इतना वो हो गई उसकी अकल, उसमें इतनी अकल होगी कि वो जानबूझ कर बंद करके जाएगा, मुझे नहीं पता, ना ही मुझे लगता है कि इतनी अकल होगी उसे, बट हो भी सकती है यार, यहाँ पे ये लोग फंसा ही लेते हैं। अरे ये बंद कर गया फिर से कोई, यार कितने हरामी लोग आए हैं इस बार, क्या कर रहे हैं ये। ओके ये फिर से जा रही है, ये इस बार तो ये रोशनी ही बहुत नखरे कर रखी है। ओके हम तो सही जा रहा हूँ इस बार, हम तो थोड़ा सही जा रहा हूँ, 42% पे हूँ हम। अरे यार रोशनी से यही है, हो जाएगा। मैं तो जग सुना सुना लागे, कहां से याद आ गया था मुझे, जग रोशनी लागे, हो गया क्वालिफाई इजी था। ओके तो नेक्स्ट हमें आया है स्टार वॉर्स वाला राउंड। नहीं भाई स्टार वॉर्स में इसमें लेजर थोड़ा होती है, नहीं इसको क्या नाम दे भाई, ये तो बहुत ही अतरंगी है। सेब मारो केला मारो सब्जी नहीं ये सब्जी मंडी, अरे ये सब्जी मंडी वाला राउंड, हाँ यहाँ पे देखो सभी सब्जी नहीं फ्रूट्स मंडी भी है बीच में। अरे बच गया फ्रूट्स मंडी, ये सब्जी मंडी नहीं फ्रूट्स मंडी, हाँ ठीक है वैसे एक ही बात होती है, सब्जी मंडी में फ्रूट्स होते हैं, हाँ होते हैं, पागल है तू,
हाँ होते हैं होते हैं। ये है हमारा सब्जी मंडी राउंड। सब्जी मंडी कहना अच्छा लगता है, फ्रूट्स मंडी फिर भी अच्छा नहीं लगता, फल मंडी लाह जचता ही नहीं है। सब्जियों की भी कोई इज्जत है? वे तेरी इज्जत घटा दी थी इन फलों ने। ये गुस्सा उतार रहे थे ये फल मेरे पे कि तूने सब्जी मंडी कह दिया से हमारे फल मंडी है नहीं सब्जी मंडी है। कर लो बे क्या करोगे तुम। अरे गुस्सा हो गया था ये, इधर ही आ गया था सब्जी में। ठीक है तो ये हमारा सब्जी मंडी वाला राउंड हो गया, हो गया। अरे यार ये क्या है, आई मीन ये क्या है। मैं अपनी टीम के लिए 5 पॉइंट्स ले गया पहले ही, ठीक है। तो ये तो मेरा तो कोई इस बार कसूर नहीं होगा अगर हम हारे। वैसे तो हम नहीं हारने वाले मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा। अपन तो 1 पॉइंट और ले गया समझो। अरे ब्लू ले गया, ब्लू ब्लू गधे ब्लू गधा ब्लू। एक मिनट तू यहीं से खेल, मुझे लगता है यहाँ पे रुक के खेल। एक बंदा यहाँ पे भी होना चाहिए, जैसे कि ये वाला अभी तेरा है। यस अभी ये वाला भी तेरा है। रुक के आएगा। वेरी गुड, एक येलो और ले गया। अपन के येलो की कसर नहीं है हमारे पास, येलो बहुत है। ओके वो भी येलो ले गया, नाइस। हम तो सबसे आगे तो नहीं चल रहे, 13-17 पॉइंट पे हम आ गए हैं। ठीक है गुड माई टीम गुड। ओए येलो ही ले गया ये भी। हम तो जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीत के दिखाएंगे अश द गेमर, जीत के दिखाएंगे येलो द प्लेयर्स। अरे इस राउंड का क्या नाम रखें, इसका नाम क्या है, डेजी कुछ है, क्या नाम है, डेजी वर्ली डेजी आई थिंक ऐसे ही कुछ है। अबे लॉन्ग का है तू, कैसा है भाई, तू भी हमारी टीम में है, तेरा कोई फायदा तो हुआ नहीं होगा हमें, या फिर हुआ है। आई मीन यस आज तो आपका भाई कमाल ही कर रहा है। ये एक और येलो, चल ये तू कर ले भाई, तेरे पास भी मौके हैं, ये ले ये मैं कर देता हूँ। ओके इधर से जाते हैं, घूम के जाते हैं। अरे अरे आपका भाई कितनी रिंग्स में से निकलेगा ना आज तो, आए थारा भाई गेमान जी इतनी रिंग्स में से निकलेगा ना, इतनी रिंग्स में से निकलेगा कि थारा भाई जोगेंद्र भी नहीं पता कर पाएगा। ये कुछ ज्यादा हो गया, आई मीन मैं क्या कहने वाला था। अरे अब तो नया चैनल बन गया, अब तो जोगिंदर पे भी रोस्ट बनता है ब्रदर। यस आई वॉज प्रिपेयरिंग दैट थिंग बट अपन थोड़ा लेट हो गया, अब पता नहीं क्या बनेगा, बहुत लेट है और व्यूज वगैरह पता ही नहीं। ये ले कोई छोड़ना ही नहीं हमने इस बार तो। ओके टॉप पे, अरे एक मिस हो गया, 50 पॉइंट्स हमारे बाकी, 42-41। यस 1 पॉइंट से हार गए बेचारे लाल वाले तो। तो भाइयों और बहनों तो यहाँ पे यार हमें आया है, क्या बताऊं क्या आया है, आपके सामने ही है जो भी आया है, क्या बताऊं क्या आया है। ओके अपुन ने अभी अभी बस एकदम से हग ही दिया था, अब कितना हगेगा बे। ये तो कुछ ज्यादा हो गया, ये मेरे बस में नहीं था, ये बस में तो तेरे ही था, तू ही नहीं हगा अच्छे से और अच्छे से। ओके अभी लेकिन अभी भी तू कंट्रोल कर सकता है अगर तू कंट्रोल से खेले। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तू मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा। अरे शिट तूने तोड़ दिया, अभी भी भरोसा है, अभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे मेरा माउस मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा यार। डोंट वेस्ट टाइल्स, ओके आराम से खेलना, बहुत नीचे जा चुके हैं लोग, एक बंदा तो एलिमिनेट तक हो चुका है। अभी तेरे पास एक ही रास्ता है कि तू आराम से खेले, वरना तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है कि तू आराम से खेले, वरना तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, चुपचाप खेल भाई। इस बार तो मैं ओपी वाला ऊपर हूँ, मतलब कोई दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए भाई। देखो पहले मेरे साथ धोखा हो गया, वरना मैं तो इससे भी ऊपर होता भी। अभी भी धोखा हो सकता है क्योंकि तू बहुत आराम से खेल रहा है। कई बार ना आराम से खेलने में भी दिक्कत होती है, जैसे कि मैं अभी एक छोड़ गया, वो मैं जानबूझ के छोड़ के गया क्योंकि वरना उसके चक्कर में कई बार आप गिर जाते हो भाई। अब तो लक अगर ज्यादा बुरा हुआ तो बहुत बुरी हो जाएगी। अरे यार अब ये क्या था, फिर भी कंट्रोल अर्श कंट्रोल यार। ये देखो इसी लक की तो मैं बात कर रहा था, सिर्फ 2 बंदे और एलिमिनेट होने। ओके एक बंदा वहां पे भी कूद रहा है, इसके बाद मुझे लगता है मुझे कहीं नीचे जाना होगा, तो सेफ स्पॉट मुझे
नीचे दिख तो गया है। वाहे गुरु। तो बस दोस्तों इसके साथ आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, और आज हमने हमारा ये देसी नामकरण यहां तक ही छोड़ दिया है। इसको किसी और वीडियो में कंप्लीट करेंगे, हर राउंड को हम देसी नाम देंगे। ये आइडिया मेरे दिमाग में खेलते खेलते आया है ना, नाइस बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, प्रेस कर देगा तो आपका शुक्रिया यार। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।